हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति। लास्ट पे हमने देखा विंडोज WDS का प्रैक्टिकल, और आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट आपका यानी कि आप जो आपकी जो भी अटैच दूसरी हार्ड डिस्क है उसको आप मिरर वॉल्यूम बनाते हो, रेड बनाते हो, वैसे आप वही डेटा आप दूसरे सिस्टम पे उसको एक्सेस कर सकते हो, और एज आप बैकअप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है तो भी आपको ये काम में आएगा। लेकिन अभी हमारे पास ये कोई फिजिकल हार्ड डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो हम ये वाला प्रैक्टिकल में देखेंगे कि वो स्टोरेज जो है वो वर्चुअली हार्ड डिस्क क्रिएट करके उस पर फिर उसको आइस कजी टारगेट बनाने का, उसके बाद उसको आइस कजी इनिशिएटर से एक्सेस करने का। तो अभी सबसे पहले आज का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा आइस कजी टारगेट क्लियर करने का। तो अभी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको एक्सपांड करते हैं फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, देन ये है हमारा आइस कजी टोरेट सर, इसको इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको पॉज कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने वो रोल इंस्टॉल कर लिया है, अभी आगे जाते हैं, ओपन करते हैं फाइल सर्वर एंड मैनेजमेंट। इधर ही अब इस आइस का जी इधर हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल डिस्क। इसका पाथ दे देंगे डी, और उसका नाम सपोज कुछ भी नाम अभी रख देते हैं, वी अभी इसको कितना 5.2, इसमें आपको कितना स्पेस देना है, अभी 4 GB दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसको 4 GB दे दिया है। अब यहाँ पे फिक्स साइज रखना है, डायनामिकली एक्सपेंड नहीं हुई, दिस टाइप ऑफ डिस्क प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस टू कम्युनिकेशन सर्वर रनिंग हाई लेवल तो वर्चुअल हार्ड डिस्क स्केलर यूजिंग द साइज ऑफ फिक्स वर्चुअल हार्ड डिस्क चेंज वन डेटा इज एडवर्टी रेट को। अपने को डायनेमिक ही रखना है, क्योंकि वो फिर जितना यूज होगा वही डेटा यूज होगा उतना ही वो एक्सेप्ट लेगा, इसलिए हमें फिक्स साइज नहीं रखना है। ठीक, अभी न्यू आइस कजी टारगेट, तो देखा है न्यू आइस कजी टारगेट, टारगेट का नाम देना पड़ेगा, सपोज का नाम कुछ भी रख दे रहे टारगेट, वन ऑफ डिस्क्रिप्शन में सिस्टम वन कर देते हैं, और नेक्स्ट भी हमें ऐड के लिए पूछ रहे हैं क्वालिफाइड डोमेन नेम पूछ रहा है, इधर लगाना है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ठीक है,
ये हमारा सर्वन मैन है। लेकिन हमें दूसरा एक जो हमारा सिस्टम टू है, जो हमारा मेंबर सर्वर है, उसका भी ऐड करना पड़ेगा, वहाँ भी हमको ये चाहिए। आईपी एड्रेस अभी दोनों आईपी की एंट्रीज हो गई है। इधर जो है हमारा सर्वर का है ये वाला 10.001, और ये हमारा मेंबर सर्वर, यानी इसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं। ये जो क्लाइंट, ये इसका आईपी एड्रेस है 10.002। अब यह इसका दिया, इसको अब हम चाहेंगे नेक्स्ट और प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट, और इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं हो गया इसका। तो ये एक टारगेट बन गया है। इसी तरह से आप भी एक टारगेट बना सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ वर्ड, क्योंकि हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है, इसलिए हमने ये वर्डिक्स वन एक ही डिस्क, यानी आप चाहे इतनी, अगर आपके डी ड्राइव के अंदर ज़्यादा स्पेस है तो आप कितने भी न्यूज कभी वर्चुअल डिस्क उधर से वापस बना सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो। ये हमने ये इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम 2.1 का तो कन्फिग्रेशन ख़त्म हो गया है। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, देख सकते हैं। टारगेट वन क्रिएट तो हो गया है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, उसकी साइज 4 GB। अब कनेक्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा लैब, हमारा दूसरा कंप्यूटर में। यहाँ पे हमको आईसीसी कनेक्टर फाइंड करना है इसमें। तो हम लेकिन ऐप में फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इसका ऐप वाला ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। ये पहले एक ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर थोड़ा अलग है, वहाँ ऐप वाला डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे हमको डायरेक्ट सर्च करना पड़ता है आई स्पेसी इनिशिएटर वगैरह। ये ओपन हो गया। अब इधर इसको हम कोई भी नाम दे देंगे, 10.0, ठीक है। इधर हमने नाम दे दिया, और ये हमारा ये टारगेट जो हमने बनाया हुआ है, ये 10.001 जो हमारा सर्वर है उसमें, तो हम इस पर करते हैं डन, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ओके, यानी इस तरह से हमारा टारगेट कनेक्टेड हो गया है।
यह जो टारगेट हमने इधर बनाया था देख सकते हो, ये सिस्टम टू से ये कनेक्ट हो गया है जो हमने 4GB इधर ये सिस्टम वन में क्रिएट किया था वो। आपको दिखाई दे रहा है ये अभी ऑनलाइन दिखाई दे रहा हो। तो अभी ये जो हमारा ऑनलाइन दिख रहा है जो हर टाइप्स, अभी हम इसको ये टारगेट तो सिलेक्ट कर दिया। अब आगे का प्रोसेस है वही सर्वर में फायर एंड स्टोरेज टूल इंस्टॉल करना है जहाँ पे मेंबर सर्वर है हमारा। तो देख सकते हैं अभी हमने थोड़ा गलत बताया था, ये अभी देखो पहले नॉट कनेक्टेड आ रहा था टारगेट वन, लेकिन जैसे हमने सिस्टम टू में कनेक्ट किया वो टारगेट कनेक्टेड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने ये एक्सक्लूसिव टारगेट बनाया जो पहले नॉट कनेक्टेड था, अब इसको हमने किया क्लाइंट पे जाके कनेक्ट, यानी इधर से जाके एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट से कनेक्ट करके जो हमने डन किया इससे वो कनेक्टेड का मैसेज आ गया है, यानी कि हमारा टारगेट सक्सेसफुली क्रिएटेड हुआ है और कनेक्ट हुआ। अब आगे के प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में। जो इधर इंस्टॉल नहीं है पहले, इसके लिए हमको फायर एंड स्टोरेज सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। वन बोल तो इंस्टॉल है ही, तो देख लेते हैं किसका हमको दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है
डिस्क है जो अभी ऑफलाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाएंगे हम, राइट क्लिक करेंगे जो ऑफलाइन दिखा रहा है उसको, इसको करेंगे ब्रिंग ऑनलाइन। अब दिस दिखा रहा है, इफ दिस डिस्क इज ऑलरेडी ऑनलाइन ऑन तो सर्वर, ब्रिंगिंग द डिस्क ऑनलाइन ऑन दिस सर्वर कैन कॉज डेटा लॉस, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं। यस नाउ सिलेक्ट सिलिकॉन स्टोरेज पोर्ट, इधर हमको एक फिजिकल डिस्क दिखना चाहिए जो हमें नहीं दिख रहा है, वेरीफाई द फिजिकल डिस्क। यहाँ पे ओपन में दिखा रहा है, उसके जाके आगे न्यू स्टोरेज को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसका स्टोरेज फुल बनाने के लिए हमको पहले इधर डिस्क आना चाहिए, फिजिकल डिस्क जो आ नहीं रहा है, उसके लिए हम ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई करके देख लिया, लेकिन अभी इसका दिक्कत यह है, मैंने एक और वर्चुअल डिस्क बना के भी देखा वीटेक्स में, वो भी ऑनलाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये फिजिकल डिस्क यानी जो स्टोरेज पूल के अंदर शो नहीं कर रहा है, कि ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं एस यूजल, जो हमारी WDS में भी लिमिटेशन थी, इसमें भी एक लिमिटेशन आ रही है कि जो वर्चुअल डिस्क है वो फिजिकल डिस्क से आप प्रैक्टिकल करोगे, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ला देंगे तो ये इधर शो करेगा, वरना ये शो नहीं करेगा। इसके आगे आप पूल क्रिएट कर सकते और मल्टीपल पूल क्रिएट करके भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो और इसका मिरर वॉल्यूम वगैरह सब बना सकते हो।
ये इसकी बेसिक्स जानकारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।